बेटे ने बहू ढूंढ ली। अरे वो देख, मैं जा रही हूँ डिस्प्रिन क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है और जबड़ों में भी दर्द हो रहा है, तो चलो खा लेते हैं। वैसे तो डिस्प्रिन मैंने सर दर्द के लिए रखी होती, लेकिन इस टाइम मेरा पूरा ये जबड़ा भी दर्द कर रहा है और गला भी दर्द कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि डिस्प्रिन खा लेती हूँ क्योंकि दांत बहुत दर्द कर रहे हैं। काम बहुत है अभी करने के लिए, पूरा घर ऐसा फैला पड़ा हुआ है और अकेले मैं हूँ और फैलाने वाले तीन तीन चार चार लोग हैं, तो अभी दवाई खा लेते हैं फिर अपने काम पर लग जाएंगे। ना कि शादी ब्याह में आप चले जाओ, लेकिन जो उसके बाद जो तबाही घर की जो होती है ना, कल कपड़े ये था कि कौन से पहनने कौन से पहनने, तो निकाले तो सारे थे। मैंने कहा ये पहनेंगे ये पहनेंगे, तो नहीं पहने, तो मैंने कहा ये रख रखे मैंने आज शादी के लिए, किन दोनों में, या तो साड़ी पहनूंगी या नीचे वाला पहनूंगी, शादी आज बारात है ना। तो और ये कुछ कपड़े हैं अभी बेड, ये भी ढंग से नहीं हुआ, टाइम हो चुका है 11, नाश्ता किया है, नाश्ता भी हस्बैंड ने और भाई ने बनाया, तो भी पहले इनको समेटते हैं ढंग से फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे, ठीक है। बाहर के हाल भी है, सबको भी छत पे भगा दिया, मैंने कहा तुम लोग सब छत पे जाओ और ताकि यहाँ पे कोई ना रहे और मैं फटाफट से सारा काम निपटा दूँ। तो सबसे पहले जो कपड़े निकाल रखे हैं उनको फोल्ड करके रख देते, वो हुआ ना कि रात में कौन सा पहनेंगे क्या पहनेंगे, निकाल के फिर ऐसे ही चले गए क्योंकि जल्दीबाजी हो रही थी जाने के लिए, जल्दी में तैयार हुए। और बाद में तो मैंने सूट ही डाला था ना, साड़ी ना वो गाउन डाला था, मैंने कहा वो आज पहनूंगी शादी में, है ना, तो चलो जल्दी से निपटाते हैं काम। तो मैं सोच रही हूँ आज शादी में जाऊँगी तो अच्छे से तैयार होंगी, क्योंकि कल इतनी जल्दीबाजी हो गई थी ना कि आधा दिन से तैयार हो ही नहीं पाई। तो अभी मैं साड़ी पे प्रेस कर रही हूँ, साड़ी पहन रही हूँ मैं, वाली साड़ी है ये वाली साड़ी पहन के जा रही हूँ, और ये ना स्टिच है, इसकी लड़ियाँ ऑलरेडी बनी है, तो इसमें करती हूँ प्रेस और ये पहन के जाऊँगी। तो आज हम अपने ब्लॉग को देख रहे हैं टीवी पे और मुझे देखनी थी वो वाली वीडियो जो मेरे मायके की देव डोलियों की है, और मेरा था मन के उसको पूरा बड़ा करके देखना है, तो अभी देखना। तो यार मायके की याद आ गई वीडियो देख के, ये मेरा मंदिर है मेरे इष्ट देवता का, आगे देखते रहना। और जो मतलब मेरे मायके का था देव डोलियों का वो वाला ब्लॉग देख रहे, तो ये मेरे पापा है जो बोल रहे हैं हमारे इष्ट देवता के बारे में, क्योंकि वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर भी आए थे ना, तो उन्हीं को बता रहे हैं। तो ये मेरे पापा है, मेरे घर में सबके सब बैठे हैं और सबसे पहले तैयार होने मैं जा रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पे लगने वाला, मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। और विवान क्या पहनेगा, विवान अंदर पापा से नाराज होके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या मांग रहा था। तो चलो अभी होते हैं तैयार, अभी जादू से तो हो गए हम रेडी। और मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि वो थोड़ा स्लीपलेस है तो ठंड लग रही है बाहर, कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने डाला है। अभी दिखा दो, तो दिखा माई कलाई, ये पूरा ये मतलब क्या बोलते हैं नारकल है क्या, तो मैंने कही ठीक है फुल स्लीव, ये ठंडा नहीं लगेगा, तब हम तैयार हो गया, तो चलो चलते हैं। ओके भाई हमारे सारे बराती तैयार, ये भी वो भी विवान, तूने मामा को बाय बाय करते हुए बच्चे हम जा रहे हैं, और यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं है, तो भाई कह रहा मैं नहीं जाता हूँ तुम लोग चले जाओ। पहुँच गए हम वेडिंग पॉइंट, हाँ मम्मी के बच्चे। तो हम जैसे ही पहुँचे 5-10 मिनट हम बैठे ही थे, फिर हम उसके बाद हमने डिसाइड करा कि पहले हम खाना खा लेते, तो बच्चों ने कहा कि हमें दाल रोटी तो हमको खाना नहीं, हमको खाना है टिक्की गोलगप्पे डोसा। तो गोलगप्पे के स्टॉल पर बहुत भीड़ हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना डोसा खाया जाए, तो फिर डोसा ले लिया, आधा ही आधा मिल रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने आधा मिलके हम चारों लोगों ने खा लिया। उसके बाद गोलगप्पे के स्टॉल पे थोड़ा सा भीड़ कम हो गई, तो मैं फिर गोलगप्पे खाने आ गई। मेरा गला भी ख़राब था पर गोलगप्पे देख के ना लालच आ गया, मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, पर मैंने ज़्यादा नहीं खाए, सिर्फ 3 खाए, एक विवो ने खाया, 2 हस्बैंड ने, और माही तो टिक्की खा रही थी, उसने कहा मुझे गोलगप्पे नहीं खाना। तो गोलगप्पे खाने के बाद मैंने कहा अब इसके बाद कुछ नहीं खाना, जाके बैठ जाएंगे, पर हस्बैंड ने कहा कि नहीं मतलब ये चीज़ें खाने के बाद थोड़ा बहुत हम दाल चावल खा लेते, तो यहाँ पे दाल चावल भी बनी थी, पनीर थी, दाल मखनी थी, रोटी थी, सब्जी थी, सारी चीज़ें थी, तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के और अब आ गए हम बैठने के लिए। तो अभी ना ये सब खा पी के हम लोग बैठ गए हैं, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठेंगे फिर घर चले जाएंगे, 10 तो ऐसे ही बज गए हैं ना। हम आए थे कितने बजे आ जाओ, 8 बजे पौने 9 बजे हम घर से, हाँ मतलब 9 बजे हम यहाँ पहुँचे, 1 घंटा हो गया खाना पीना खा लिया, और विवान भाग गया, कोई फ्रेंड मिल गई निकल गया उसके साथ। तो अभी मैं माही और हस्बैंड बैठे हुए यहाँ पे, थोड़ी देर बैठेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे।
विवाह ने ढूंढ ली एक नई फ्रेंड, ये देख कल बनी थी कि मेहंदी में उसकी फ्रेंड, अभी उसको बुला रही आजाद, विवान जब से आया उसी के साथ खेल रहा है। ए देख नाम पू नाम ही नहीं पता, दो दिन से उसके साथ घूम रहा, नाम ही नहीं पता, पता नहीं क्या नाम है, स्मृति, स्मृति कल से बना रखी फ्रेंड। बेटे ने बहू ढूंढ ली। वो देख ए देख तो गाइज ये है विवान की बेस्ट फ्रेंड, जो विवान ये मेहंदी में फ्रेंड बने, विवान को उसका नाम भी नहीं पता कि क्या नाम है, पर दो दिन से फ्रेंड बनी हुई, और हम लोग उसको इतना चिढ़ा रहे थे उसके नाम पे कि तूने अपने लिए दुल्हन ढूंढ ली ना शादी में, बल्कि उसके हमको लगा था पहले कि उसके क्लासमेट है, लेकिन वो उसके क्लासमेट नहीं, मेहंदी में गया था वो, तो वहाँ बन गई थी उसकी फ्रेंड। और जो ये वीडियो अभी चल रही है ये विवान ने बनाई, उसने कहा कि मुझे ना वीडियो बनानी, तो उसको बनानी थी अपनी फ्रेंड की वीडियो, लेकिन थोड़ा बहुत वो फिर आगे चला गया, उसने दुल्हन और जो उसके भाई फ्रेंड सबकी बनाई, और इतने अच्छे तरीके से बनाई, जबकि छोटे बच्चे नहीं होते कि वीडियो हिलती है अच्छे से नहीं बना पाते, बोल भी रहा था इसमें, लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था इतना ज़्यादा तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया। तो देखो भाई मेरे बेटे को। हेलो गाइस, आज मास्टर ना, हम लोग जा रहे हैं अब घर। ओवर कितना बज गया, कितना 11 बज गए, 11 बज गए हम घर, टाइम कितना हो गया 11:15, तो अब चलते हैं सोने और आपको मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में, तब तक बाय बाय।